अनुसूचित जातियों को उद्यमी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने आज़ादी के बाद पहली बार पात्रता हेतु आय सीमा और अनुदान राशि में बड़ा परिवर्तन किया है। अब अनुसूचित जाति के सभी लोग लघु माध्यम एवं बड़े उद्यमी बन सकेंगे। उक्त बातें आज लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण गृह माती कानपुर देहांत में आयोजित प्रेस वार्ता में निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने कही। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं में पात्रता के लिए अभी तक आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 तथा शहरी क्षेत्र में वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं में पात्रता के लिए अभी तक आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 तथा शहरी क्षेत्र में 56,460 वार्षिक निर्धारित तथा अनुदान राशि प्राप्ति व्यक्ति 10,000 रुपये अनुमान्य थी। उन्होंने कहा कि अब अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए आय सीमा मुक्त कर दी गई है, किंतु जिनकी आय 2.5 लाख या उससे कम होगी उन्हें योजनाओं में वरीयता दी जाएगी। उक्त के अतिरिक्त अनुदान राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। डॉक्टर निर्मल ने कहा कि विशेष केंद्रीय अब प्रधानमंत्री अभ्युदय योजना के नाम से जानी जाएगी। इसके तहत रोजगार योजनाओं के अतिरिक्त प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना तथा बाबू जगजीवन राम छात्रवास योजना को भी इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। ग्रुप बनाएंगे और सारे व्यक्तियों को जितने भी लाभार्थी होंगे सबको हम 50,000 रुपये की प्राथमिक सहायता प्रदान करेंगे। शेष बैंकों के माध्यम से होगा और उनके जो प्रोजेक्ट स्थापित होंगे हम उनकी निगरानी करेंगे। हमारी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट होगी जो उनके प्रोजेक्ट बनवाएगी, उनके उद्यम पर नज़र रखेगी। और इसके अतिरिक्त इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रोडक्शन होगा, जो उत्पादन होगा, उसके लिए हम लोग मार्केट की व्यवस्था करेंगे। विभिन्न बड़े बड़े समूहों से बात हो रही है और उनके उत्पाद बाजार में आएंगे, बिक्रे होंगे और इस प्रकार से अनुसूचित जातियों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन चला करके घर घर में शौचालय बना दिया और उसके तहत इस देश में जो हाथ से मैला उठाने की प्रथा थी वो उस पर पूर्ण विराम लग गया, इसी प्रकार से प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना से जो दलितों का सदियों की आर्थिक दास्ता है वो पूरी तरह से खत्म होगी। सर, देखा जाता है कि अमूमन योजनाओं में लोगों को जागरूकता कम थी, तो क्या इसकी तरफ से कोई? जी हाँ, इसके लिए हमारे प्रत्येक जनपद में ब्लॉक स्तर पर हम जागरूकता कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं और इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया सहित जितने भी प्रचार के संसाधन हैं हम लोग पूरे प्रदेश में जाएंगे, जनपदों में जाएंगे, हमारी टीमें बन रही हैं और व्यापक स्तर पर इसका प्रचार प्रसार होगा और लोगों से कहा जाएगा कि आप जनता के क्षेत्र में आगे आएँ। और यह इसलिए भी जरूरी है कि देखिए, अगर दलित रोजगारी नहीं बनेगा, उद्यमिता नहीं करेगा तो उसकी दास्ता कम नहीं होगी, उसकी जो बदहाली है कम नहीं होगी, क्योंकि देश में सरकारी नौकरियों की संख्या 1990 की श्रम विभाग की रिपोर्ट जो मैं बता रहा हूँ आपको, 2 करोड़ सरकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को मिला करके 2 करोड़, अनुसूचित जातियों को उसमें मिलते हैं 44 और 45 लाख 22% के हिसाब से और आबादी अनुसूचित जातियों की लगभग 30 करोड़ हो गई है। तो 30 करोड़ आबादी के समक्ष अगर 45 लोगों को नौकरी मिल भी गई तो शेष दलित कहाँ जाएंगे? इसलिए सारे हर घर से एक दलित को रोजगारी बनना पड़ेगा, उद्यमी बनना पड़ेगा और इससे हमारी सरकार ने बड़ा अप्रतिम योजना शुरू की है और ये योगी और मोदी काल अनुसूचित जातियों के लिए स्वर्णिम है। जिनके घरों में शौचालय नहीं था वो भी वंचित समाज के ही लोग थे, जिनके घरों में गोबर के उपले से खाना पक रहा था, लकड़ी से खाना पक रहा था, वह भी वंचित दलित समाज के ही लोग थे। तो हम लोगों का आकलन है कि 70